किस किस्म के लोग हैं? ये लोगों पर कीचड़ उछालने से बाज नहीं आते। और जोएब, वो क्यों खामोश खड़ा था? उसने गवाही क्यों नहीं दी कि ये सब बोतान है, झूठ है? गलती मेरी अंकल, मैंने सोचा कि फरियाल की शादी जोहेब से हो जाएगी, वरना आज ये दिन ना देखना पड़ता। अपनी ही बहन पे हाथ उठा लिया मैंने। अमानत अली, मुझे तुम दोनों की जिम्मेदारी सौंप कर गया है, और एक बाप की हैसियत से मेरा ये मशवरा है, ये घर और यहाँ के लोग तुम्हारे लायक नहीं है। अंकल, मैं वापस अपने अम्बा जी के घर चली जाऊंगी। मुझे बहुत डर है, ये लोग वो घर भी बेच देंगे। तुम अकेली वहां पर कैसे रहोगी? ऐसा नहीं हो सकता, तुम मेरे साथ मेरे घर चल रही हो। और रही उस घर की बात, तो वो घर मैं इन लोगों को हत्याने नहीं दूंगा। उस घर पर तुम दोनों का हक है। आपकी बातों से बहुत ठारस मिली अंकल। मुझे पूरा यकीन है कि फरियाल आपके घर में महफूज रहेगी। चलो बेटा, जल्दी से सामान लेकर आओ।